हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बीजेपी के जो मेंबरशिप वाली स्लिप होती है, पेमेंट स्लिप, वो कैसे डाउनलोड करेंगे। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये हम लोगों ने गूगल खोल रखा है पहले से ही। आप गूगल को ओपन कर लीजिएगा या आप यहाँ पे आइए, इस तरीके से गूगल को ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये गूगल आ गया हमारा। यहाँ पे आप डालेंगे बीजेपी मेंबर सिप, ये इतना आप डालेंगे तो सर्च करेंगे तो देखिए सबसे ऊपर आ रहा होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, होम बीजेपी मेंबरशिप भारतीय जनता पार्टी, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग जाएंगे और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पड़ा हुआ है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ, और मोबाइल नंबर आपको बताना नहीं चाहिए, तो मैं इसको ब्लर कर देता हूँ मोबाइल नंबर को। और चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो अब हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, तो अब हम लोग ओटीपी के लिए करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। तो ये हमारा मोबाइल नंबर था यहाँ पे, तो आपके स्क्रीन पे ये नंबर दिखाई पड़ रहा है, इस पे सेंड ओटीपी लिखा, सेंड ओटीपी हम लोग करेंगे। तो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना। तो चलिए हम ओटीपी को यहाँ पे डाल लेते हैं। तो ओटीपी डाल के जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लिखा है मेक कंज्यूमर पेमेंट, यानी कितना आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। डाउनलोड रिसीव, आपने कितना पेमेंट किया वो यहाँ पे आपको रिसीव मिल जाएगी, और ये आपके मेंबर आईडी रहेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड पे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, तो आपकी ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब आएंगे, देखा एक्टिव मेंबरशिप आपने जो पेमेंट की थी 20/10/2024 को किया था, कितने रुपए का, 100 रुपीज का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा डाउनलोड 80G, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं 80G पे, और ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग ओपन करेंगे, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं ये हमारी पेमेंट रसीद है, और यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा कि आपने कब तारीख को पेमेंट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अगर मेंबरशिप का कार्ड चाहिए तो देखिए मेंबरशिप का कार्ड भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप अपने जाएंगे डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप क्या करें, देखिए ये आपकी आईडी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे डाउनलोड, ये डाउनलोड चिन्ह है, तो यहाँ से आप लोग इसको क्या कर दीजिए, डाउनलोड कर दीजिए। ठीक, तो ये आपका कार्ड भी क्या हो जाएगा, डाउनलोड है। यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे, तो इस तरीके से आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, तो इस तरीके से आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। अगर आपने जितने भी मेंबर बनाए हैं उनकी आपको अगर लिस्ट चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप जाएंगे, ये आप देखते हैं माय मेंबरशिप लिखा, मेंबरशिप, तो इसको आप लोग क्लिक कर दीजिए। और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके की आएगी, आप 2 बार पेमेंट कर चुके हैं, एक बार पेंडिंग हो गया था, एक बार अप्रूव हो गया था। ठीक, और ये आपकी मेंबर आईडी रहेगी। अब देखिए आपने कितने लोगों को ऐड किया है वो मैं आपको बता दूं किस तरीके से आप उसको निकालेंगे। तो पहले आप जाएंगे माय डैशबोर्ड पे, ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हम लोग। अब देखिए इस तरीके से ये यहाँ से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे जाके आप लोग पेमेंट रिसीव अपने यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपकी प्रोफाइल रहेगी और यहाँ पे ये आपकी मेंबर आईडी रहेगी। ठीक, तो देखिए कितने लोगों को आपने जोड़ा था वो आपके नीचे दिखाई पड़े, यानी आपने 141 लोगों को ऐड किया था। यहाँ से आप लोग इसको क्लिक कर दीजिए, तो देखिए कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, उनका यहाँ पे नाम भी आ जाएगा सभी का, और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर आएगा, और असेंबली आएगी, और मेंबरशिप कार्ड आएगा। ठीक, तो ये आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, ये जितने भी आपने जोड़े हैं वो सब डाउनलोड हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से आप उनको डाउनलोड करेंगे, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप लिखा है डाउनलोड लिस्ट लिखा है, तो आप डाउनलोड लिस्ट पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप डाउनलोड लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारे यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो गई है, और इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप पूरा यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक, कि क्या क्या किन किन को आपने सदस्य बनाया था वो सभी यहाँ पे होंगे, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी लिस्ट डाउनलोड करके बता दी किस तरीके से आप लिस्ट को डाउनलोड करेंगे। ओके, तो अगर आपको जानकारी पसंद आए तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें मेरी समझ में आई होंगी। थैंक यू फ्रेंड।